हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 23 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है अ पर्सन्स डेस्टिनी इज व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इनमें से किसने प्रस्ताव रखा कि स्वराज की परिभाषा संपूर्ण स्वाधीनता से होनी चाहिए, जो विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हो। बताइए दोस्तों कौन थे वह। तो दोस्तों वह थे बाल गंगाधर तिलक। सॉरी दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये जो थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्ताव रखा था कि स्वराज की परिभाषा संपूर्ण स्वाधीनता से होनी चाहिए, जो विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हो। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1780 में भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। बताइए दोस्तों कौन सा था वह। तो वह था हिक्की बंगाल गैजेट। ओके, ये जो था हिक्की बंगाल गैजेट नामक जो अखबार था, देश का पहला अंग्रेजी अखबार होने के साथ साथ देश का पहला अखबार भी यही था। और ये जो था कौन था वो जिसने इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों वह था जेम ऑगस्टस, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताया जिसने अफगानिस्तान के लिए उत्साही फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन किया। बताइए दोस्तों कौन थे वह। तो वह थे लिट्टन। ओके, ये जो थे दोस्तों लॉर्ड लिट्टन, इन्होंने अफगानिस्तान के लिए उत्साही फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन किया और इनके समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वह था 1876 से लेकर 1880 तक। और ये जो थे दिल्ली दरबार का आयोजन महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डैस के बीच हुई थी। बताइए किनके बीच हुई थी। तो वह थे लॉर्ड मिंटो। ओके, ये जो थी अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, ठीक है, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और उस समय जो थे लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्निवालिस, ये कौन थे बताइए। तो 1793 में ही इन्होंने क्या किया था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और कॉर्निवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल था वह था 1786 से 1793 तक। दोस्तों नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये कौन थे, इनका कार्यकाल था 1772 से लेकर 1785 तक। और इन्होंने 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की थी और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को कानूनी स्वीकृति मिली। बताइए किससे मिली थी दोस्तों। तो वह था बक्सर के युद्ध 1764 के बाद मीर जाफिर से संधि के द्वारा। ठीक है, ये जो था दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध तथा इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया था। और जो था अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित किले का नाम फोर्ट विलियम तथा मद्रास में जो स्थापित किला था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, इसके अलावा जो था 1757 में प्लासी के युद्ध में सिरोजुद्दौला यानी पंजाब के वो नवाब थे, उनको पराजित कर अंग्रेजों ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और ये जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो लोकप्रिय नाम है वह है जॉन कंपनी, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। बताइए कौन नहीं है। तो वह थे नागार्जुन। ओके, ये जो थे भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे। नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार की विभूति थे, जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टाइन कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन का जो प्रस्तावक था वो कौन कौन थे। तो वह थे तुकाराम
त्यागराज, इसका करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, त्यागराज है ये, और वल्लभाचार्य। ये जो था भक्ति आंदोलन, ये क्या था, मध्यकालीन भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, और इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों की धारा द्वारा समाज विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया उन्होंने, और यह एक मौन क्रांति थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन राजवंश है, बताइए। तो वह थे मौर्य राजवंश, ओके। ये जो थे मौर्य राजवंश, इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और ये जो मौर्य राजवंश था ये था 1322 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों सिंह विष्णु, ये थे पल्लव राजवंश के संस्थापक, और पल्लव राजवंश था 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है चोल राजवंश, इसके संस्थापक थे विजयालय, ठीक है, इन्होंने 1850 में था इनका शासन। नेक्स्ट है दोस्तों गुप्त राजवंश, ये जो थे इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, 240 ईस्वी में था इनका वंश, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण दिया था, बताइए किसने। तो वह थे कुमारपाल चालुक्य ने, ठीक है। ये जो थे अपभ्रंश के लेखक और जैन विद्वान हेमचंद्र कुमालपाल इनके दरबार में रहते थे, और प्रसिद्ध जो थे जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण कुमारपाल चालुक्य ने दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मौर्य प्रांत में विदेशी राज्यपाल यानी ग्रीक यवन था, बताइए। तो वह था सौराष्ट्र प्रांत, ओके। ये जो था सौराष्ट्र यानी गुजरात, मौर्य प्रांत में विदेशी राज्यपाल था, और जो पाटलिपुत्र है वह थे दोस्तों पूर्वी प्रांत में, ठीक है। नेक्स्ट है सुवर्णगिरी, वह थे दक्षिणी प्रांत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध के स्मृति शेष डैस में संरक्षित हैं, बताइए किस में है। तो वह है स्तूप में, ओके। ये जो थे बुद्ध के स्मृति शेष स्तूप में संग्रहित है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अवशेष थे उन अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, बताइए दोस्तों। तो वह है पुरुषनी, ओके। ये जो है इस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले किसने देखे थे, बताइए कौन थे वह। तो वह थे डॉक्टर साहनी, ओके। हड़प्पा के जो अवशेष थे सबसे पहले डॉक्टर साहनी ने देखा था, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निवेश पर राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदवाई करवाई थी, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल में मद्रास में कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की, बताइए। तो दोस्तों वह थे शाहजहां, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल डैश के अंदर स्थित है, बताइए कहाँ पर है। तो दोस्तों वह है आगरा किला में, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, बताइए। तो वह थे लॉर्ड लिंथित को, ठीक है। ये जो थे भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह हुई थी 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, और इस समय जो थे वायसराय वह थे लॉर्ड लिंथित को, ठीक है। और इसके अलावा इसी आंदोलन में जो थे गांधी जी, उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध, बताइए क्या हो जाता है। तो वह बहुत कम तापमान पर शून्य हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
भूभौतिकीय विज्ञान से संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है दोस्तों, तो वह है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैटनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए किसने लिखी है पुस्तक, तो वह है सलमान रुश्दी। ओके, इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन वह हुआ था 1988 में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बतानी है, तो दोस्तों वह होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।